नमस्ते दोस्तों, आज हम बहुत दिनों के बाद आज हम री से एक वीडियो बनाने के लिए आए हैं। अभी आज हम ये अपना विदेश में आए हैं, बस्ती में। हम ये यहाँ से जाएंगे थोड़ा जंगल में, थोड़ा बस्ती के नज़दीक पे ही है। उस जंगल में जाके हम लोग सेटअप करेंगे। आज हम एयरगन का बनाएंगे, तो ये रास्ता है, चलिए जाके देखते हैं हमारा वो वहाँ तक जहाँ से हम लोग शूटिंग करेंगे। चलिए दोस्तों। यहाँ पे एक नदी है, बस्ती का जो मेन पानी का सोर्स है। ये नदी यहाँ से जाते हैं, ये देख लीजिए यहाँ पे है। काफी सुंदर जगह है ये देखिए, आइए। ये देखिए, ये लकड़ी का ब्रिज बना है, पत्थर का नौका। काफी सुंदर जगह है, एकदम शांति जगह है। शांति बस्ती के जस्ट सामने पे है ये, तो आगे जाके देखते हैं। और ये खाई है, यहाँ से नदी जाते हैं। यहाँ से जाके एक आइलैंड फॉर्म होता है, फॉर्म होके यहाँ से निकलता है पीछे तरफ से। तो बढ़िया जगह है ये, हम पूरा देखेंगे इसको। ये जगह देखिए दोस्तों, ये जगह को अच्छा से देख लीजिए। ये हमारा ये रेस्ट कैम्प है, जहाँ पे जब बस्ती के जो फार्मर्स है वो जब खेती जाते हैं, जब वो अपना फार्म में जाते हैं, तो वो यहाँ पे रेस्ट करते हैं। काफ़ी दूर है खेती जो, तो वहाँ पे जाने से पहले यहाँ रेस्ट करते हैं। बगल में नदी है, वहाँ पे नहा के जाते हैं। जब वापस आएंगे तब भी वो यहाँ पे फ्रेशअप होते हैं। और ये देखिए, यहाँ पे अपना धाव जो है, धाव या आपका नाइफ जो भी है, उसको धार करते हैं। ये पत्थर है, पत्थर में ही वो लोग रगड़ रगड़ के उसको नाइफ को शार्पन करते हैं, शार्प करता है ये। यहाँ पे नदी है, काफ़ी अच्छा रेस कैम्प है। यहाँ पे लोग रहते हैं, यहाँ पे अपना सामान वामान को रख के रेस करते हैं। और यहाँ पे खेत जाने से पहले वो लोग यहाँ पे खे खेत खेत जाने से पहले अपना जो जो भी आपका धाव या नाइफ या जो भी होगा उसको यहाँ पे धार करते हैं। और जब वो खेती से, ये खेती रास्ता है, वहाँ से जब आते हैं, आके वो यहाँ पे नदी है, आप देख लीजिए सामने से। ये एक छोटा सा हम लोग का मेन हमारा बस्ती का नदी है, यहाँ पे नहाते हैं वो, नहा के ही फ्रेशअप हो के ही वो अपना घर वापस जाते हैं। तो जगह तो काफ़ी सुंदर है, यहाँ में बड़ा बड़ा पेड़, ये पेड़ भी है। काफ़ी ठंडा जगह है, ठंडा और ये आपका काफ़ी शांति जगह है ये। तो आज हम जो है, आज जो है वो
उस जगह से यहाँ से जो खेती के रास्ते हैं उस जगह से हम वहाँ से वहाँ पे शूटिंग करेंगे वो जगह पे। चलिए दोस्तों, आज आपके सामने हम ये दो PCP राइफल्स लाए हैं, दोनों ही वाल्थर का है। ये थोर्मिनोटर है, वाल्थर थोर्मिनोटर ये, और ये है रोटेक्स RM8 जो एयरगन है, PCP एयरगन। तो इसको हम जो है आज दोनों का जो है पिनिट्रेशन और इनका जो डैमेज को देखेंगे, तो आज का वीडियो उसके ऊपर में होगा। तो पहले हम इसको देखते हैं, ये आपका, ये मेरा RM8 है, RM8 रोटेक्स RM8 है वाल्थर का। तो इसका जो है आप देखिए, इसमें मैंने ये मॉडिफाई, इसमें मैंने साइलेंसर लगाया है। ये आपका स्कोप मैंने गेमो का डाला है, आपका 3x9x50 इसका जूमिंग है, तो आप इसको देख सकते हैं अच्छे से। या इसमें जो है बट के लिए इसमें सिंथेटिक रबर का है ये आपका। उसके बाद ये देखिए आपका वाल्थर का ऐसा है ये। तो इसमें जो है एक है, इसमें ये जो है PCP एयरगन का, इसका जो सिलेंडर थोड़ा, जो एयर जो इसका कैपेसिटी थोड़ा कम है, तो भी दोनों सेम ही है, वाल्थर का है। आज इसका जो डैमेज देखेंगे। और दूसरा है आपका ये है थोर्मिनोटर आपका, इसका वुडन वुडन स्टॉक है इसका, आप देख सकते हैं। इसका फंक्शन और इसका जो जो हैंडलिंग सेम है दोनों का। तो इसमें जो है आपका दोनों में ही 8 राउंड का है, 8 राउंड का मैगजीन है, या 8 राउंड्स मार सकते हैं हम लोग। तो इसको देखिए, इसका एक है कि इसको जब हम लोग रिफिल करते हैं, जब रिफिलिंग में इसको खोल के करते हैं इस सिलेंडर को, तो खोल के जब अलग से हम लोग पंप मार के ही इसको रीफिटिंग करता है। जो इसमें मेरा जो है RM8 में, यहाँ से हम लोग रिफिलिंग करते हैं। तो आज जो है हम लोग जो थियोरेटिकली तो है इसका जो है थर्मिनेटर का थोड़ा ज़्यादा है आपका जोल, जो तो 20 से ऊपर जोल है इसका, इसका जो है 16 जोल है। तो देखते हैं आज हम मार के, हम यहाँ से मारेंगे, यहाँ पे स्टैंड है, यहाँ से हम वहाँ मारेंगे। तो फर्स्ट जो है आपका लेफ्ट साइड में हम लोग इससे मारेंगे, थर्मिनेटर से मार के देखते हैं, इस राइफल से मार के देखेगा। राइट साइड को जो है हम लोग मेरा RM8 वोल्ट प्रोटेक्स RM8 से मार के देखेंगे, और हम देखेंगे कि किसका कितना आपका पिनिट्रेशन है, कौन सा ये दोनों में से कौन सा PCP ज़्यादा आपका डैमेज करते हैं, और किसको आप प्रिफरेबल ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, चलिए दोस्तों, ये वहाँ पे पावर का बोतल रखा है, पावर का बोतल रखा है वहाँ पे। यहाँ से हम रेंज फाइंडर से देखेंगे, देखते हैं रेंज फाइंडर से। चलिए रेंज फाइंडर से यहाँ से 26 मीटर से ये जहाँ से हम शूट करेंगे वहाँ से ये जो पावर का जो एनर्जी एनर्जी ड्रिंक है वो 26 मीटर से, तो हम आज यहाँ से शूट करेंगे उसको। चलिए देखते हैं दोस्तों। चलो लगा है ताकि देखते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुंचा है, देखते हैं ये हमारा ये थर्मिनेटर से मारा है फर्स्ट। तो यहाँ पे 3 ये रखे थे पावर, तो इसको देखिएगा, पहले देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे लगा है एंट्री पावर में, ओ में मारा था मैंने, तो ये एग्जैक्ट यहाँ पे एंट्री हुआ है, और एग्जिट एग्जैक्ट यहाँ लगा है, तो यहाँ पे थे ये। तो इसको तो पार हुआ, आर पार हुआ, यहाँ से एंट्री हुआ या एग्जिट हुआ है। सेकेंड इसको देखते हैं, सेकेंड यहाँ पे कहीं नहीं लगा है, यहाँ यहाँ पे एक क्रैक हुआ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे था ये थोड़ा सा क्रैक है, ये जगह यहाँ पे थोड़ा लगा है, मगर इसको एंट्री नहीं कर पाया है इसको। ये आपका ये पानी तो एकदम यूज जो इंटेक्ट है, इसको कुछ पंचर नहीं हुआ है, इसको पंचर नहीं हुआ है, इसको तो आर पार किया है, एक एक ही पावर को जो बोतल है उसको आर पार किया है, एनर्जी ड्रिंक को। बाकी थार तो और ये पानी बोतल तो यही पे ही है, मूवमेंट ही नहीं हुआ है। तो चलिए दोस्तों, अभी हम सेकंड शॉट मारेंगे आपका, मेरा जो रोटेक्स RM8 से मार के देखते हैं, देखेंगे उसका कितना इफेक्ट होगा।
चलिए हमारा फर्स्ट शॉट तो लगा है लेफ्ट साइड में, अभी हम राइट साइड में मारेंगे आपका रोटेक्स आरएमएक्स मार के देखते हैं। चलिए दोस्तों चेट्टी को ये करेंगे हमें, तो वहाँ पे रखा है हमारा, देखते हैं अभी मार के। चलिए दोस्तों देखते हैं हमारा सेकेंड शॉट को। देखिए यहाँ पे थे तो फर्स्ट का हमें है, ये है फर्स्ट, पहले देखिए ये आर पार हो गया, यहाँ से एंट्री हुआ है, यहाँ निकल गया, ये तो निकल गया। इसमें ये सेकेंड वाला है, इसका अंदर में है वो, ये आप सुन सकते हैं, ये है इसका अंदर में बुलेट्स, इसका अंदर पिलेट्स जो है इसका अंदर में है, का इसको पार किया है, इसमें तो नहीं लगा है, तो इसको थोड़ा सा नहीं लगा, ये तो कोई ऐसे का वैसा है। तो अभी हम देख सकते हैं जो थर्मिनेटर जो था आपका वाल्थर का थर्मिनेटर, उससे जो है इसको तो अच्छा से आर पार हुआ ये फर्श का, इसको जस्ट लगा है मगर इसको पार नहीं कर पाया है, और इसको तो नहीं, कुछ नहीं हुआ है, इसको भी कुछ नहीं हुआ है। और जो सेकेंड वाला जो मेरा रोटेक्स आर एम8 है उससे इसको आर पार हुआ है, और बुलेट जो है पिलेट्स जो है सॉरी इसका अंदर में रह गया, तो दोनों का करीबन सेम ही है, मगर इसका थोड़ा सा हिट है, ये जो है एक सेकेंड वाला में अंदर में रह गया, इसका जो है सेकेंड वाला को पार नहीं कर सका थर्मिनेटर। तो इतना है आज के लिए दोस्तों, शायद मैं सोचता हूँ कि आप लोग इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, तो और आगे और वीडियोस बनाते रहेंगे, तो काइंडली मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।